अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक है विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। इसको पहले एग्जांपल से देखेंगे, पहले समझेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट में जब रॉकेट में फ्यूल जलता है तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ गैसेस निकलती हैं। गैसेस ये एक फोर्स रिएक्शन है जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है और आपका जेट आगे की तरफ, रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं। इनिशियल कंडीशन ये कहती है कि जब रॉकेट स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस केस में रॉकेट का मास एम था और वेलोसिटी जीरो थी, तो उस केस में मोमेंटम उसका जीरो हो जाएगा। जस्ट उसके बाद जब रॉकेट स्टार्ट हो गया, लेट केस वन लेके चलते हैं कि जब आपका रॉकेट स्टार्ट हो गया तो उस केस में रॉकेट का पूरे का मास था एम, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी थी जीरो। तो इस केस में मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो अमाउंट ऑफ गैस है वो निकलनी बढ़ती जा रही है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल जलता जा रहा है। क्या होगा? थोड़ी देर बाद रॉकेट की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन में। केस टू देखते हैं। केस टू में जो मास है आपके रॉकेट का, ये बताइए रॉकेट के, मान लो कि 10 सेकंड बाद रॉकेट के मास के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि रॉकेट के अंदर फ्यूल था जो बर्न हो रहा है और जो वो मास था वो गैसेस की फॉर्म में निकल रहा है। मान लो कि एम अमाउंट ऑफ मास रॉकेट में से बर्न होकर चल रहा है, तो आफ्टर 10 सेकंड्स रॉकेट का मास कितना हो गया? रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हुआ? पहले उसका मास एम था, उसमें से एम अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज हुई, तो कुछ टाइम बाद रॉकेट का मास हो गया एम माइनस एम। व्हाट हैपेंस विद द वेलोसिटी? वेलोसिटी में क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जो इसकी वेलोसिटी, पहले इसकी वेलोसिटी थी v और गैसेस निकलती जा रही हैं जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान लो कि जो गैसेस निकल रही हैं उसकी वेलोसिटी है v डैश, और जो इस डायरेक्शन में गैसेस निकल रही हैं उसकी वजह से जेट के ऊपर, रॉकेट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? रॉकेट और ऊपर जाता जा रहा है, तो हेंस जो वेलोसिटी है उसकी पहले वी थी और अब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? जितनी गैस यहां से निकल रही है उतनी उसकी वेलोसिटी उतनी रेशो में बढ़ती जा रही है, तो न्यू वेलोसिटी उसकी हो जाएगी वी प्लस वी डैश। तो मोमेंटम आपके रॉकेट का थोड़ी देर बाद हो जाएगा पी टू इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू वी प्लस वी वन। और जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो ये कहता है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, और इससे हम ये कहना चाहेंगे कि पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है मास और वेलोसिटी का वो हमेशा कॉन्स्टेंट है। पहले मास की कुछ वैल्यू थी, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, बट दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे एक वैल्यू मिल रही थी। बाद में मास आपका डिक्रीज हो गया बट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो गई। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया मुझे वैल्यू एक मिली। फॉर एग्जांपल पहले इस बॉडी का मास हम मानते हैं, पहले इस बॉडी का मास था 10 और वेलोसिटी थी 5, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? मास बर्न होना शुरू हुआ, फ्यूल बर्न होना शुरू हुआ और वो गैस की फॉर्म में बाहर आना शुरू हुआ, तो उसका मास डिक्रीज हो गया। मान लो कि उसका मास हो गया 5, बट जैसे जैसे मास डिक्रीज हो रहा है वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और जब गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी उसकी हो गई 5 से 10। तो पहले केस में जब मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया वो भी 50 आया था, और इस केस में जब मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया वो भी 50 आया। हेंस द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द मोमेंटम। ना तो हम इसको बना सकते हैं ना मोमेंटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम?
when two or more bodies act upon one another, the total momentum remains constant. जो total momentum है वो हमेशा constant रहता है या इसको हम कहेंगे conserved रहता है. But what is provided? There should be no external force. कोई और बाहरी force उसके ऊपर act नहीं करना चाहिए, तभी आपकी body का momentum conserved रहेगा. ठीक है, अब एक derivation देखते हैं conservation of momentum की. ये इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास दो बॉडी है, एक हैवी बॉडी जो कि ट्रक है और एक स्मॉल बॉडी जो कि कार है. ट्रक के मुकाबले इसका मास कम है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. ट्रक की डायरेक्शन और कार की डायरेक्शन दोनों की इधर है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, कार की इनिशियल वेलोसिटी u2. थोड़ी देर बाद क्या होगा, कार और ट्रक के बीच में कोलिजन हो जाता है. मतलब ये हमारा मास 1 है और ये मास 2 है. कोलिजन होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस है कि कोलिजन होने के बाद क्या क्या हो सकता है. ये हो सकता है कि गाड़ी इस ट्रक के अंदर धस जाए, ठीक है. ये हो सकता है कि ट्रक इस तरफ मूव होना शुरू करे, कार इस तरफ मूव होना शुरू करे. ये भी हो सकता है दोनों की एक ही डायरेक्शन हो. तो हम एक नॉर्मल एक कंडीशन लेते हैं जिस कंडीशन में कोलिजन के बाद बॉडी की जो मूवमेंट है वो दोनों की एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है. दोनों की कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद ये है बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन. ट्रक इस डायरेक्शन मूव कर रहा था, कार इस डायरेक्शन मूव कर रही थी, और अब ये है कोलिजन. यहां पे कोलिजन हो गया है और अगली देखते हैं आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये आपका ट्रक है और ये आपकी कार है. क्योंकि कोलिजन के बाद उनकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ा होगा तो हम इसकी स्पीड v1 ले लेते हैं और इसकी स्पीड v2 ले लेते हैं. अब ये हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कि जो मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का था कोलिजन से पहले वो ही मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम का कोलिजन के बाद. मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, m1 u1 ये है मोमेंटम ट्रक का, प्लस m2 u2 ये है मोमेंटम कार का, और ये है पूरे सिस्टम का मोमेंटम. ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और m1 v1 यह है मोमेंटम ट्रक का आफ्टर कोलिजन, प्लस m2 v2 मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन. तो टोटल मोमेंटम हो गया इसका m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यह करना है कि द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है. ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है. डेरिवेशन देखते हैं. डेरिवेशन में क्या था कि एक ट्रक था कोलिजन से पहले, उसकी स्पीड u1 थी, विद कार उसकी स्पीड u2 थी. कोलिजन के बाद ट्रक की स्पीड v1 हो गई और कार की v2 हो गई. प्रूफ क्या करना है, हमें द मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो कैसे शुरू करेंगे, जस्ट बिफोर द कोलिजन आप इसको देखिए कि ट्रक ने कार को कहीं जाके कोलाइड किया होगा. जिस पॉइंट पे ट्रक ने कार को कोलाइड किया होगा तो उस पॉइंट पे जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक, F1 इज द फोर्स. देखते हैं, व्हेन द फोर्स F1 ऑफ द ट्रक एक्ट्स ऑन द कार फॉर टाइम t, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार चेंजेस. मतलब कि जो ट्रक ने कार के ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो क्या फोर्स है, वो फोर्स है मास ऑफ कार
मल्टीप्लाई बाय एसीलरेशन ऑफ द कि ट्रक के जो फोर्स की वजह से जो मास इनटू एसीलरेशन, तो मास ऑफ क्या कार क्या है m2 मल्टीप्लाई बाय एसीलरेशन ऑफ कार क्या है ट्रक के धक्का देने से पहले उसकी कार की वेलोसिटी u2 थी बाद में v2 हो गई तो हमें पता है एसीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो एसीलरेशन ऑफ कार क्या थी v2 माइनस यू टू डिवाइडेड बाई टी ठीक है ये हमारा फोर्स वन है जो ट्रक ने कार के ऊपर लगाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो ये कहता है हर एक एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स है अगर ट्रक ने एक फोर्स लगाया और वो एक्शन फोर्स है तो उसी समय एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होगा जो कार ने ट्रक के ऊपर लगाया होगा तो जो कार ने ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया होगा लेट दिस फोर्स बी F2 और ये फोर्स क्या होगा इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ट्रक मल्टीप्लाइड बाय एसीलरेशन प्रोड्यूस बाय द ट्रक तो मास ऑफ ट्रक है हमारे पास m1 मल्टीप्लाइड बाय एसीलरेशन ट्रक की क्या है भैया पहले उसकी वेलोसिटी u1 थी बाद में उसकी v1 हो गई तो एसीलरेशन इस केस में हो गया v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t ठीक है अब हमें एक बात और पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमने फोर्स एक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है ये हमने पढ़ा है बट अपोजिट होता है तो इसलिए बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू माइनस F2 हम इस निष्कर्ष पे आते हैं ठीक है तो F1 क्या है हमारे पास F1 है m2 into v2 minus u2 divided by t is equal to minus of m1 into v1 minus u1 whole divided by t इस t से ये t कैंसिल हो गया क्या बचा हमें हमें बचा m2 v2 minus u2 is equal to minus m1 v1 minus u1 आगे देखते हैं बस सिंपल सी मैथमेटिक्स है और उसके बाद हम अपने रिलेशन पे आ जाएंगे आगे क्या कहता है ये हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो वी गेट m2 into v2 minus m2 u2 is equal to minus m1 v1 plus m2 u2 माइनस वाले को उधर ले आते हैं इस वाले माइनस वाले को वहां ले जाते हैं वी गेट m1 v1 plus m2 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 ये क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिशन और ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिशन हेंस वी हैव प्रूव दैट कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन ठीक है अब इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके एग्जांपल में जैसे कि गन है जब कभी हम गन को फायर करते हैं तो क्या होता है तो बुलेट उसमें से बाहर आती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जैसे ही गन को फायर करते हैं जो पूरी गन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है बुलेट इतनी आगे जाती है जो आगे जाने वाला फोर्स जो वेलोसिटी वो उतनी ज्यादा है और जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी इतनी कम क्यों है इसके पीछे रीजन यही है भाई देखो बुलेट का मास कम था तो इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई और गन का मास ज्यादा था इसलिए उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम हो गई हमें मतलब किससे है हमें दोनों के प्रोडक्ट से मतलब है तो ये कई बार न्यूमेरिकल में भी वाला क्वेश्चन यूज होता है तो इसको हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ बुलेट क्या होगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व मोमेंटम इज कंजर्व वो कंजर्व कैसे है कि मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये मोमेंटम हो गया इज इक्वल टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन ठीक है देखो यहां पे मास कम था वेलोसिटी ज्यादा थी यहां पे मास बढ़ गया वेलोसिटी कम हो गई कुल मिला के मोमेंटम ये कंजर्व है या आप कह सकते हो कि ये कॉन्स्टेंट है ठीक है अब इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।